ओके गाइस, सो अब मैं ये टेक्सचर अंदर ले आई हूँ। मैं इसे दो बकेट्स में करके लाई क्योंकि ये बहुत भारी था। तो अभी मैं ऐसा करूँगी कि इस टेक्सचर के यहाँ पे शेप्स बनाऊँगी। ये मैंने येलो टेक्सचर की शेप्स बना के रखी थी अभी थोड़ी देर पहले। ये भी मैंने बाहर बनाया हुआ था लेकिन ये सारा बेचारा ख़राब हो गया था। और ये बिल्कुल न्यू शेप है, लाइक इट्स ब्रांड न्यू शेप। यू कैन सी ये शेप है जो मैं न्यू लेकर आई हूँ। एंड देर आर सो मैनी सरप्राइजेज़ फॉर यू ऑल। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है अपने ASMR के काम के लिए, लाइक आई बॉट सो मैनी थिंग्स। सो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले कुछ व्लॉग्स में दिखाऊंगी। आजकल क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर और मैं कुछ वीडियोस भी नहीं बना रही, कुछ भी नहीं कर रही, सो मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं, पहले वो अपलोड होंगे, फिर ये अपलोड होगा, फिर देखते हैं कि आने वाले व्लॉग्स में मैं वो चीज़ें दिखाऊँगी। और कुछ न्यू टेक्स्चर्स भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ न्यू टेक्स्चर्स भी हैं, सो इंशाल्लाह वो सभी मैं रिवील करूँगी, लेकिन आराम आराम से। अभी क्योंकि मैं ब्रेक पर हूँ सो इसलिए मैं चीज़ों को बस थोड़ा सा स्लोली लेकर चल रही हूँ। सो यहाँ पे मैं ये टेक्स्चर बना के रखती हूँ। स्पेस थोड़ी कम है लेकिन मुझे मैनेज करना होगा। और ये मेरा सेलिब्रेशन टेक्स्चर है, एवरी थिंग मिक्स। सो ये टेक्स्चर इस टेक्स्चर से काफ़ी मिलता जुलता है इसलिए मैं ये वाला यहाँ पर बना के रख सकती हूँ। सो थोड़ी सी यहाँ से क्लीनिंग कर लें। ये टेक्सचर आपस में थोड़ा बहुत मिक्स हो भी जाए तो खैर है, लेकिन ये टेक्सचर डिफरेंट है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा लाइक दूर करके ही रखूँगी इसे। सो अभी मैं ट्राईपॉड पे स्टैंड पे मोबाइल सेट कर लूँ। आई थिंक पहले इस टेक्सचर को बना लेती हूँ, फिर लाइक इसके बाकी का रिमेनिंग टेक्सचर भी मैं निकाल के बना लूँगी। यू कैन सी इट्स वेरी वाटरी। ये बहुत ज़्यादा लाइक इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ है बारिश का। मैं शेप बना के देखती हूँ, अगर तो शेप बन जाती है तो ठीक, वरना इसमें मैं थोड़ी सी सैंड ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा तो ड्राई हो। ओके सो शेप मैं इसके लिए न्यू शेप लाई थी, कुछ न्यू शेप्स भी मैं लाई हूँ तो मैंने वो शेप बनाई थी, वही मैं दोबारा बना लेती हूँ। आई थिंक ये बन जाएगा। यस सी तो अब मैं जल्दी से कुछ शेप्स बनाती हूँ आप लोगों के सामने। बट लेट मी वेयर ग्लव्स फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं जितनी दफ़ा काम करती हूँ ना लाइक वो ख़राब हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा शेप्स बना के रखी, फिर मैंने खुद ही बाहर रख दी और वो बारिश में ख़राब हो गई। फिर मैंने टेक्स्चर्स को अंदर रखा, फिर मैंने कल जाके वो टेक्स्चर्स को दोबारा बाहर रखा बनाया और फिर बारिश ने ख़राब कर दिया। सो आई रियली होप सो कि इस दफ़ा इंशाल्लाह मेरे टेक्स्चर्स महफूज रहेंगे, क्योंकि अब मैं अंदर बना रही हूँ और अंदर आई होप कि कोई मसला ना हो और इस दफ़ा मैं टेक्स्चर्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि मैंने पहले कितनी ज़्यादा शेप्स मेकिंग की है लेकिन वो हमेशा टेक्स्चर बर्बाद हो जाता था। सो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं दुआ करती हूँ कि अब ऐसा कुछ ना हो। कुछ शेप्स मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी, बाकी मैं ऑफ कैमरा बनाऊंगी
क्योंकि इस तरह पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, कैमरा को बार बार इधर उधर करना। तो मैं जल्दी से ये शेप्स बना के आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, उसमें हम जो बाहर का टेक्सचर पड़ा हुआ है उसकी स्क्रैपिंग करेंगे और फिर उसकी शेप्स मेकिंग होगी। सो लेट्स मेक शेप्स वेरी क्विकली। अगर शेप्स ख़राब भी हुई हैं तो इसमें ज़रूर अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, कोई मसलहत होगी जो काम में रुकावट आई है। मे बी मेरा बाकी टेक्सचर्स को रखना ठीक नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बारिशों का मौसम है और ये ना हो कि मेरे सारे टेक्सचर्स बह जाए, इसलिए मुझे अंदर ही मैनेज करना होगा। अगर मैंने बाहर टेक्सचर्स रखे तो वो तो मेरे सारे बर्बाद हो जाएंगे। सो फिलहाल मैं अंदर ही मैनेज करती हूँ किसी तरीके से, लेकिन फिर मुझे अपने टेक्सचर्स को बाहर ज़रूर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जो मैं न्यू टेक्सचर्स लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह वो मैंने अंदर बना कर रखने हैं, और वो इस तरह के टेक्सचर्स हैं जिन्हें मैं बाहर नहीं रख सकती। सो माशाल्लाह द शेप्स आर लुकिंग सो प्रिटी, ये न्यू शेप्स हैं। तो लेट्स सी कि मैं इनके साथ किस तरह से वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं तो सही, और इंशाल्लाह मैंने वीडियोस भी पोस्ट करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गया, कि 10-12 दिन का ब्रेक आ चुका है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं वापस यूट्यूब पर आऊँ और आप लोग भी, मैं भी वेट कर रही हूँ। लेकिन अभी तक तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि किसी ने मुझे मिस किया है, लाइक इतने ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेजेस वगैरह नहीं हैं। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम से भी ब्रेक लिया हुआ है, मैंने अपना ऐसे वहाँ का इंस्टाग्राम भी चेक नहीं किया कि वहाँ पे कौन मुझे मैसेज कर रहा है कौन नहीं। सो एनीवे ये शेप्स स्मैशिंग के लिए बहुत परफेक्ट है, देखूँगी मे बी इसकी स्मैशिंग वीडियो ही बना लूँ मैं। इसको बहुत ज़्यादा मैं ओवर फिल नहीं कर रही, ओके सो दिस इज लास्ट शेप, इसके बाद मैं बाकी ऑफ कैमरा बनाऊंगी और इंशाल्लाह मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में हम बाकी काम करेंगे और फिर मैं आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस की भी थोड़ी सी हालत दिखाऊंगी, ये अंदर वाली वर्क प्लेस की। ऐसे मैंने इस वर्क प्लेस को काफ़ी हद तक अरेंज कर लिया, सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे नहीं बनी इसको मैं दोबारा बनाऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर जो ना एक लिक्विड ही चला गया, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही अच्छे चले गए, इसलिए ओके गाइस सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।